हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम फॉर यू में। दोस्तों, आपने यूट्यूब की सबसे शानदार वीडियो पर क्लिक कर दिया है। आपका एसएससी एमटीएस का 9 अक्टूबर का फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम समाप्त हो चुका है गाइस। फर्स्ट शिफ्ट में आपके जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं इस वीडियो में मैं आपको कवर कराऊँगा। दोस्तों, हम आपको 100% रियल क्वेश्चन कराते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं दोस्तों, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो जल्दी से एग्ज़ाम फॉर यू चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें, ताकि आपको यहां पर हर एक एग्ज़ाम का हर एक शिफ्ट का एनालिसिस समय पर देखने को मिलता रहे। ऑल गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन आप एग्ज़ाम फॉर यू चैनल पर कर सकते हैं। तो आप चैनल के साथ बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन ज़रूर कर लें। एक क्वेश्चन आया था गाइज, वित्तीय साक्षरता किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है? ये किया जाता है आरबीआई के द्वारा। स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 में, मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में, गवर्नर है शक्तिकांत दास। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं गाइज, फेसबुक के संस्थापक कौन है? मार्क जुकरबर्ग है। भारत के 46वें मुख्य न्यायाधीश कौन थे? रंजन गोगोई थे, आपका राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन था गाइज, भारत में कौन सा सक्रिय ज्वालामुखी है? बैरन द्वीप जो है सक्रिय ज्वालामुखी है, आपका राइट आंसर था गाइज। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिया गया? ये आयरलैंड से लिया गया। मौलिक अधिकार अमेरिका से, संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, डूरंड रेखा किन दो देशों के बीच सीमा निर्धारण करती है? पाकिस्तान तथा अफगानिस्तान के बीच में करती है। मैकमोन रेखा भारत तथा चीन के, रेड क्लिफ रेखा भारत तथा पाकिस्तान के। दोस्तों, अभी एक्स्ट्रा फैक्ट्स के साथ मैं आपको डेली एनालिसिस कवर कराता हूँ, ताकि आपका यहाँ से कोई भी क्वेश्चन बन जाए, किसी भी एग्जाम में कोई गलती आप ना करके आओ। तो आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें एग्जाम फॉर यू चैनल को, और बेल आइकन को ऑन जरूर कर लें। नेक्स्ट, अब इसका सबसे ऊंचा पठार कौन सा? तिब्बत का पठार या पामीर का पठार है गाइस, आपका राइट आंसर था। एक क्वेश्चन आया था, यंग बंगाल आंदोलन किसने चलाया? एंग्लो इंडियन हेनरी डेरोजियो ने, आपका राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, प्राकृतिक गैस का सर्वाधिक उत्पादक देश कौन सा है? संयुक्त राज्य अमेरिका है। चार मीनार कहाँ पर है? हैदराबाद में। डांडी मार्च की शुरुआत कब की गई थी? 12 मार्च 1930 में। भारत में पहली बार इंटरनेट कब शुरू हुआ था? 15 अगस्त 1995 में। कंप्यूटर के पिता किसे बोला जाता है? चार्ल्स बेबेज को बोला जाता है। दोस्तों, काफ़ी इजी क्वेश्चन पूछे गए आपके फर्स्ट शिफ्ट में, जो भी अच्छे से पढ़ कर गया होगा सभी क्वेश्चन सही कर आया होगा। नेक्स्ट था, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट आपस में कहाँ मिलते हैं? नीलगिरी की पहाड़ी पर। नेक्स्ट था, दीनबंधु के नाम से किन्हें जाना जाता है? सीएफ एंड्रयूज को जाना जाता है। नेक्स्ट था, लोहे को जंग से बचाने के लिए किसका लेप चढ़ाकर गैल्वेनाइज किया जाता है? जिंक की परत का लेप चढ़ाकर गैल्वेनाइज किया जाता है। तत्व की परमाणु संख्या किसके बराबर होती है? प्रोटॉन के बराबर होती है। अगला क्वेश्चन था गाइस, नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? राजीव कुमार है। अध्यक्ष है नरेंद्र मोदी और सीईओ अमिताभ कांत। नेक्स्ट था, स्थानीय स्वायत्त शासन का जन्म किस गवर्नर के समय होता? लॉर्ड रिपन के समय में। रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि किस घटना के बाद त्याग दी थी? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद जो है रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी। ये हुआ था 13 अप्रैल 1919 में। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट था गाइस, जिला न्यायाधीश किसके अंदर कार्य करता है? ये हाई कोर्ट के अंदर कार्य करता है। डेसिबल किसकी मापन इकाई है? ध्वनि की। एफरेडा किस जाति से संबंधित है? जिम्नोस्पर्म। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? यह दूरी का। आप ही देख सकते हैं, काफ़ी इजी क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो बच्चों ने सेंड किया फर्स्ट शिफ्ट के, वही क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर करा रहा हूँ। अगर आप दोस्तों चैनल पर नए हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो एग्जाम फॉर यू चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को ऑन कर लेना, जो भी अपडेट होगी सबसे पहले आपको यहीं पर देखने को मिलेगी। नेक्स्ट, असम के लाल चावल को किस देश में निर्यात किया गया? संयुक्त राज्य अमेरिका में निर्यात किया गया गाइज। एक क्वेश्चन था, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कौन सी नदी बहती है? कल्पोंग नदी बहती है, आपका राइट आंसर था। नेक्स्ट था, रेलवे ने सर्वप्रथम शताब्दी एक्सप्रेस किन दो स्टेशनों के बीच चलाई थी? दिल्ली से झांसी, आपका राइट आंसर था ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट था, नीति निर्देशक तत्व किस भाग में है? भाग चार में है। भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण कब किया था? 18 मई 1974 में। जिला सत्र न्यायालय किसके अधीन आता है? सर्वोच्च न्यायालय के अधीन आता है। दिलवाड़ा मंदिर किस राज्य में? राजस्थान में गाइस, राजस्थान आपका करेक्ट आंसर था। एक क्वेश्चन था, भारत का वयोवृद्ध पुरुष किसे बोला जाता है? दादा भाई नेहरू जी को। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को बोला जाता है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत की रैंकिंग क्या रही है? 2020 में 94 नंबर पर रहा है। काफ़ी बेसिक से क्वेश्चन आपके पूछे गए एसएससी एमटीएस की 9 अक्टूबर की फर्स्ट शिफ्ट में। व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही का नाम क्या है? विनोबा भावे। वर्तमान में भारत के उपचुनाव आयुक्त कौन है? उमेश सिन्हा, 2020 से। विश्व टीवी दिवस कब मनाया जाता है? मनाया जाता है आपका 24 मार्च में। नेक्स्ट था, सरयू नदी पर कौन सा शहर स्थित है? अयोध्या स्थित है, आपका राइट आंसर था गाइज। नेक्स्ट था, विच इज़ द वार्म ओशियन करंट? तो गल्फ स्ट्रीम आपका वार्म ओशियन करंट है, आपका राइट आंसर था गाइज। एक क्वेश्चन आया था, विच इज़ द लैंड लॉक सी?
तो अराल सी जो है लैंड लॉक सी आपका राइट आंसर था। नेक्स्ट था गाइस लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक ऑफ द वर्ल्ड, तो लेक सुपीरियर जो है लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है वर्ल्ड में। नेक्स्ट था विश्व का सबसे बड़ा तैरता हुआ सोलर पार्क कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में। नीलाथोता का रासायनिक नाम क्या है, CuSO4 यानी कॉपर सल्फेट को बोला जाता है नीलाथोता। ट्यूनेशिया के प्रधानमंत्री कौन है, इचेम मचीची है आपका राइट आंसर था गाइस। तो दोस्तों ये थे आपके जो पेपर हुआ है SSC MTS का 9 अक्टूबर का फर्स्ट शिफ्ट का रिलेटेड, हमारे पास आपके जो भी क्वेश्चन आए हैं मैंने इस वीडियो में आपको कवर कराए हैं। अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल हुई है तो फटाफट से सभी लाइक कर दें, अपने सभी दोस्तों के पास शेयर कर दें, और अगर आप चैनल पर नए हैं गाइस पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो जल्दी से एग्जाम फॉर यू चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि आपको यहाँ पर हर एक एग्जाम का हर एक शिफ्ट का एनालिसिस समय पर देखने को मिलता रहेगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतने, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।